नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल प्रियाज वेज किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लास्ट तक देखें, पसंद आता है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरा Instagram ID भी इसी नाम से है तो उसको भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज की डेली बनने वाली सब्जी को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले मूँगफली है, ये मेथी है, मेथी साग और आलू, आलू दो ही यूज़ करेंगे। तो कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा ना कि मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है। आप इस तरीके से मेथी की सब्जी बनाएंगे, आप बिना आलू के भी बनाएंगे तो मेथी का जो कड़वापन है वो भी नहीं लगता है और एक अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मूंगफली, और प्रोटीन भी रहता है मूंगफली में। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से एक बार मेथी की सब्जी बना के देखिए, आलू मेथी की, बहुत ही टेस्टी लगेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो ड्राई रोस्ट हो गया था तो मूंगफली को निकाल दिए हैं। अब एक कपड़े से उसका जो हल्का छिलका रहता है साफ़ करके फिर इसी में डालेंगे सरसों तेल। तब तक मूंगफली ठंडा होगा थोड़ा। एक चम्मच सरसों का तेल, ये तेल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें जाएगा। तड़के के लिए लेंगे सरसों के दाने। आप लोग ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा। देखिए, चौथाई चम्मच से भी कम है सौंफ, क्योंकि और ये है जीरा, हींग। बिना प्याज लहसुन की सब्जी, आप लोग प्याज खाते हैं तो इसी टाइम पे तड़के के बाद इस टाइम पे प्याज दे दीजिए और हींग, और उसके बाद एक लाल मिर्च, जो तीखा बहुत नहीं है, हल्का तीखा लाल मिर्च है सूखा। आप लोग अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कड़क गया। अब इसमें आलू को काट करके बॉयल्ड आलू को, बॉयल्ड आलू मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ना कि इसमें क्या है कि भुनने में टाइम कम लगेगा और झटपट हो भी जाएगा। ये सब्जी बहुत ही झटपट हो जाती है, बहुत आपका बिजी शेड्यूल है तो सुबह आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में, या अपने लंच में, नाश्ता में, डिनर में कभी भी बनाइए। और किसी भी चीज़ के साथ, रोटी, पराठा, चावल, किसी भी चीज दाल चावल के साथ खाइए। आलू के डालने के साथ ही हल्दी डाल दिए चौथाई चम्मच। अब इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे। एक टमाटर लिए थे लेकिन टमाटर चूंकि बड़ा था तो हाफ टमाटर को चॉप करके डाल दिए हैं। तब सबको अच्छे से भूनेंगे, टमाटर तुरंत ही गल जाएगा। ऐसे भी लीफी वेजिटेबल होता है ना, वो जल्दी ही पक जाता है नमक स्वादानुसार, उसको पकने में टाइम नहीं लगता है। और यदि बॉयल्ड आलू है तो आपकी ये सब्जी 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। अब इस टाइम पे ये तीखा हरा मिर्च, आप लोग हरा मिर्च यदि नहीं खाते हरी मिर्च तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। और फिर वंस अगेन कि आप लोग तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च मैंने लंबा काट के इसलिए दिया है कि एक तो दूर से दिखेगा और जिनको नहीं खाना वो ऐसे भी निकाल देंगे। और अब मेथी के साग को महीन महीन काट करके वो डाल दिए हैं और ढकेंगे नहीं, क्योंकि जैसे पत्ते वाली सब्जी होती है ना और हरी सब्जी है, ढकने से एक तो कलर चेंज हो जाता है और चूंकि इसमें खुद ही बहुत पानी रहता है साग में तो ये तुरंत ही पानी छोड़ने लगता है और तुरंत ही पक भी जाता है। मूंगफली ठंडा गया तो मूंगफली को आप चाहिए तो पूरा छिलका निकाल दें। मैंने थोड़ा निकला है छिलका, थोड़ा वैसे ही इसको करूँगी, दरदरा पीस लूँगी, क्योंकि छिलके सहित ना उससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम ज़्यादा छिलका नहीं निकालते हैं। आप लोग चाहिए तो पूरा निकाल दीजिए। देखिए तुरंत में मेथी अपना पानी छोड़ दी और कितना कम हो गया है सब्जी। तो साग में ये होता है ना कि आप कितना भी बनाइए वो बिल्कुल 1/4 से भी कम रह जाता है पकने के बाद। अब इसमें डालेंगे, साग हो गया है, देखिए इस तरीके से मैंने मूँगफली हल्का दरदरा पीस लिया है। तो देखिए ऐसे भी सब्जी खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन ऊपर से ये रोस्टेड मूंगफली देने के बाद ना इसमें प्रोटीन भी हो जाता है, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी लगती है। आप लोग एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बनाइए, मुझे विश्वास है आप लोग को पसंद आएगी। अभी 2 चम्मच डाले हैं, देखते हैं और ज़रूरत होगा तो 1 चम्मच और डालेंगे, थोड़ा कम लग रहा था
दो चम्मच बच गया है तो आप थोड़ा ज़्यादा बना करके मूंगफली को ऐसे तुरंत ही भून करके, और इसको जब तक सब्जी भुनाता है तब तक आप दरदरा कूटेंगे तो ताज़ा का एक अलग टेस्ट होता है। ऐसे आप लोग मूंगफली को पीस करके रख भी सकते हैं जो एयर टाइट होता है। और अब देखिए मूंगफली देने के बाद 2 मिनट बन इसको भूनना है स्लो पे, उसके बाद देखिए मैंने सर्व करके दिखाया। तो एक सिंपल से आलू मेथी की सब्जी को थोड़ा सा ट्विस्ट देने के साथ इसका स्वाद भी बढ़ गया, टेस्ट जिसको कहिए वो भी बढ़ गया, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर बनाइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।